सो व्हाट्स अप गाइस, नील हियर। आप देख रहे हैं एसएल एडिट्स। आज बताऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। ये फोटो बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कर देना एक लाइक, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। अब फोटो को कर लेंगे ऐड। आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना होगा। तो बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेंगे। तो वहां पर मॉडल का जो फोटो है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो मॉडल का फोटो भी ऐड हो गया। उसके बाद ऊपर वाला जो लेयर है उसको खींच के नीचे लाएंगे तो जो फोटो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको करना होगा एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर जो थ्री डॉट होता है यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो जो आपका टू फिंगर्स है इससे इसके जरिए आप जो फोटो है उसको एडजस्ट करिए, ठीक है। तो मैं फोटो को एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कुछ इतना, ठीक है। उसके बाद कर देते हैं यह से डन, हो गया। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क वाला ऑप्शन होता है वहां पर क्लिक करेंगे। तो गाइस लेयर्स का काम तो हो गया। आप जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ पर कुछ पीएनजी ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड फोटो पे जाने के बाद हमको ये जो हार्ड वाला पीएनजी है इसको ऐड करना होगा, ठीक है। तो हार्ड वाला पीएनजी को यहाँ पर ऐड करते हैं, डन। अगर आप चाहते हैं कि जो हार्ट है उसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो जाएंगे एडजस्ट में, एंड देन यहाँ पर जो यू होता है यहाँ पर क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हो आपको जो भी कलर पसंद आए। तो मैं यहाँ पर इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, -10। उसके बाद डन। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपका फोन का जो इंटरनेट है ये ऑन रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर जो स्टिकर ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद हम ये जो सर्च वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको सर्च करना होगा स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच, ठीक है। उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पीएनजी आएंगे, आपको जो मन पसंद वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये वाला पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जूम इन करते हैं, फेस पर जहाँ पर मुझे चाहिए वहाँ पर इसको सेट करते हैं, ठीक है। आपको जाना होगा ब्लेंड में। ब्लेंड में जाने के बाद यहाँ पर जो ओवरले वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद हम जाएंगे एडजस्ट में, इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे, ब्राइटनेस को कम कर दिया। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, डन कर देंगे। फिर से जाएंगे स्टिकर्स वाला ऑप्शन पे, यहाँ पर जो ये वाला पीएनजी है सबसे पहला वाला इसको क्लिक करेंगे, इसको फिर से एडजस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है गाइस, बहुत ईजी है, यहाँ पर एडजस्ट करके लगा देंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे ब्लेंड में, ओवरले, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इरेज कर देते हैं। जाएंगे एडजस्ट, ब्राइटनेस को थोड़ा कम, सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज, हाइलाइट्स को फुल डिक्रीज, शैडोज को भी फुल डिक्रीज, डन। इससे जाएंगे स्टिकर्स वाला ऑप्शन पे, और पेज ऐड करते हैं ये वाला, इसको गर्दन पे लगाते हैं, ठीक है। आपको जो पीएनजी अच्छा लगे वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद आखिरी काम बचा है जो है टेक्स्ट ऐड करना। यहाँ पर जाके मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, HATE, उसके बाद डन कर देते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, पिक्सआर्ट में ये वाला फॉन्ट जो है मोनोटन, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ पर एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पर एक कलर चूज करते हैं ये वाला,
ध्यान करते हैं, यहाँ पर एक कलर चूज करते हैं, रेड वाला, ठीक है, रेड वाला क्लिक कर दें तो हो गया। उसके बाद राइट क्लिक, गाइस फोटो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी बनाइए ऐसा फोटो, ये बहुत ही वायरल हो रहा है। तो मिलते अगले वीडियो, बाय बाय।